गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन योर नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग द डाइपोलर अट्रैक्शन शोन बाय डॉटेड लाइन बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम ये डाइपोलर अट्रैक्शन है जो कौन शो करता है हाइड्रोजन शो करता है कब शो करता है जब वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कौन कौन सा फोन फोन याद रखना फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यही तीन एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है प्रेजेंट इन डिफरेंट आइटम पोलर बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये दो तरीके की होती है इंट्रामोलिकुलर इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फर्स्ट है इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस द हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्रेजेंट इन द बॉन्ड बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट मॉलिक्यूल जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे एच है बहुत सारे एच आपस में एच बहुत सारे मॉलिक्यूल है डिफरेंट डिफरेंट एच एफ मॉलिक्यूल ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया अब हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या ये एफ है ना ये एफ है ये वाला जो फ्लोरिन है इस हाइड्रोजन के साथ देखो डॉटेड लाइन के साथ ये पार्शली इसको अपनी तरफ खींच लेता है बिकॉज फ्लोरिन मोर इलेक्ट्रोन इसी तरीके से बाकी के भी ऐसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लॉन्ग चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इसी तरीके से अमोनिया में दिखा रखी है इसी तरीके से एच टूओ में दिखा रखिये एस टूओ की बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा सबसे पहले तो स्टेट को चेंज कर देती है अब हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है बट जब आपस में ये बॉन्ड बनाते हैं एस्टो लिक्विड कैसे हो जाता है वो ऐसे लिक्विड हो जाता है बेटा जब बहुत सारे वाटर एस्टो ओ मोलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो पार्शियल इंटर वो क्या बना लेते हैं इंटर मोलिकूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं उसका जो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से उसके बीच में भी बॉन्ड बनता चला जाता है और एक लॉन्ग चेन बन जाती है इसीलिए उसकी स्टेट चेंज हो जाती है इसीलिए वो कौन स्टेट में होता है लिक्विड स्टेट में होता है नेक्स्ट है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द हाइड्रोजन एटम एंड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर प्रेजेंट इन द बॉन्ड बिलोंगिंग टू द सेम एटम ये है विद इन अ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल में एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ये पूरे का पूरा एक मॉलिक्यूल है ऑर्थो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इसका ये जो फिनोलिक ग्रुप है और ये नाइट्रो ग्रुप है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे को टैक्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं इसी तरह के तरह से एल्डिहाइड में ये है फिनोलिक ग्रुप और ये है एल्डिहाइड ग्रुप इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन अपनी तरफ पार्शियली बॉन्ड बना लेता है इसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे इंटर मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा आप यूज करते हो ये दोनों चीजें इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्कूल बहुत सारे स्कूल इकट्ठे हुए उनके बीच में कंपटीशन एक बोलते हो आप इंट्रा स्कूल कंपटीशन इंट्रा मतलब स्कूल के अंदर ही जो बच्चे हैं नाइन्थ टेंथ इलेवेंथ उनके बीच में कंपटीशन उसको बोलते हैं इंट्रा तो इंट्रा और इंटर का मतलब आप समझ गए होंगे इंटर मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल इंट्रा मतलब विद इन अ सेम मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेक्स्ट इफेक्ट इफेक्ट और कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट होती है सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट इफेक्ट होती है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी उसकी स्टेट लिक्विड हो जाएगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी उसकी स्टेट गैशियस रहेगी ठीक है तो सबसे पहले तो जो हाइड्राइड्स ऑक्सीजन के होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं जो हाइड्राइड सल्फर के होते हैं वो गैशियस स्टेट में होते हैं अब आपको क्वेश्चन आएगा वाई एस टू एस इज अ गैस वाइल एसटू एच टू इज अ लिक्विड अब आप डायरेक्ट इसमें आंसर दोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन कि जो एच टू ओ है उसमें ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसकी टेंडेंसी है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की बट इन केस ऑफ एच टू एस सल्फर इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैविंग नो टेडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड दैट्स वाई एच टू एस इज अ गैस वाइल एच टू ओ इज अ लिक्विड इन नेचर नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियस है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नेक्स्ट है सॉलिबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन टू सॉलवेंट हाँ जी सॉल्यूट की सॉलवेंट में सॉलिबिलिटी को भी इफेक्ट करता है अब एल्कोहल ऑर्गेनिक इन नेचर है जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कभी डिसॉल्व नहीं होते हैं बट एक एक्सेप्शन है अगर ऑर्गेनिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो इनऑर्गेनिक मींस वाटर में क्या हो जाएंगे डिसॉल्व हो जाएंगे तो जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वाटर में सोलबल होंगे बेशक वो ऑर्गेनिक ही क्यों ना हो ठीक है नेक्स्ट है सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है अब एक क्वेश्चन आपने ये नाइन्थ में भी पढ़ा है वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर आपने पढ़ा था कि आइस की डेंसिटी कम होती है क्यों आइस की डेंसिटी कम होती है आज मैं वही आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूं एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन आइस द वाटर मोलिक्यूल आर अरेज टेट्राहीड्रली इन स्पेस जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं इस तरीके से टेट्राहीड्रली स्पेस में अरेंज हो जाते हैं जब वो इस तरीके से स्पेस में अरेंज हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं पिंजरे की तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं उसके बीच में वेकेंट स्पेस होता है ये जो खाली जगह होता है इसमें एयर भर जाती है जब एयर भर जाती है तो ये इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये पानी के ऊपर क्या करता है फ्लोट करता है प्रेजेंट एट सेंटर अटैच फोर एनदर वॉटर मॉलिक्यूल इट्स फोर कॉर्नर विद हाइड्रोजन बॉन्ड इन दिस अरेजमेंट ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल सर्टन वेकेंट स्पेस आर लेफ्ट एंड द इंटायर अरेजमेंट इज लाइक केस ड्यू टू दिस डेंसिटी ऑफ आइस डिक्रीजेस हैंड्स आइस फ्लोट ओवर वाटर केस की तरफ स्ट्रक्चर बन जाता है ये आगे केस की तरह स्ट्रक्चर बता रखा है यह है केज लाइक स्ट्रक्चर ठीक है नेक्स्ट है वाई वाटर हैज़ अक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम एट फोर डिग्री सेल्सियस फोर डिग्री सेल्सियस पे कहते हैं ज्यादा डेंसिटी और मिनिमम वॉल्यूम क्यों होता है जीरो डिग्री सेल्सियस आइस एंड वाटर एक्को एग्जिस्ट जीरो डिग्री पे आइस और वाटर दोनों को एग्जिस्ट करते हैं वैन टेम्परेचर इंक्रीजिज दैन देअ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी जैसे ही कहते टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो उसका टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट होता है मोलिक्यूल का वो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी और क्या करता है टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कोलैप्स एंड वाटर मोलिक्यूल विल क्लोज एंड देयर विल बी क्लोजर एंड देयर विल बी लेट टू इंक्रीज़ द डेंसिटी बट एट द सेम टाइम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इज रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द वॉल्यूम और डिक्रीज इन द डेंसिटी अब क्या हुआ जैसे एकदम से वाटर मालिक्यूल uh, क्या हुआ एनर्जी इंक्रीज हुई ठीक है उसके बॉन्ड टूट गए एकदम से टूटे उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया बट जो उसकी डेंसिटी है वो क्या हो जाती है कम हो जाती है दस अपोजिट टेन ऑपरेट साइमल्टेनियसली बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज नॉट सो सिग्निफिकेंस एट अप टू फोर डिग्री सेल्सियस हैंस दे फोर डेंसिटी इंक्रीजेज एंड वॉल्यूम डिक्रीजेज